हाय फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। आज का जो टॉपिक, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट से फिर एक बार पॉक्स के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। इसमें हम नेचुरल और होम्योपैथिक केयर बताएंगे। देखिए, कुछ वीडियो को मतलब जो चीज़ आज हम बताने वाले हैं, या जो कोई भी वीडियो मतलब बीमारी के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर हम लोगों को रखना पड़ेगा। जो अगर मेरे बार्स का कुछ हुआ है तो क्या हुआ है, मतलब वो वायरल है, बैक्टीरिया है, फंगल है, या पैरासाइट कुछ इफेक्ट हुआ है, तभी जाके प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज के डेट में ये सारे चीज़ देखा नहीं जाता है। हर चीज़ में आप लोग जानते ही हो, कुछ कॉमन मेडिसिन है लोग बोल देते हैं, और इसी से के कारण बहुत सारे बार्स फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रही हूँ मैं, मरते जा रहे हैं ज़्यादातर लाभ बार्ड्स को पड़ी, क्योंकि ये सीज़न। देखिए, पॉक्स सभी बार्ड्स को तो नहीं होता है, जैसे कैनेडी बार्ड को, पिजन को, और लाभ बार्ड्स में ये ज़्यादातर देखा जाता है। और ये पैरासाइट इफेक्ट भी होता है और पॉक्स वायरस भी होता है, नॉट मतलब बैक्टीरियल, मतलब एंटीबायोटिक जो होता है ना, चीज़ को अगर हम लोग अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, एलोपैथिक को ही अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं का मतलब, हम लोगों को जो बार्स का जो हुआ है सही से प्रॉपर अगर जान के जो क्या हुआ है, क्योंकि आई इन्फेक्शन भी कॉन्जेटिवाइटिस भी हो सकता है, उसमें भी आंख लाल हो जाता है जो डेंजरस कॉन्जेटिवाइटिस होता है। अगर पॉक्स का जो सिम्टम होता है ये हम लोग जानते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं, जैसे आँखों के ऊपर एक पुतली बन जाना, या कभी कभी आपका आँखों के बाहर भी ऐसे चॉकलेट कलर का पुतली, उंगली के ऊपर बूटी 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 ऐसे दाग हो जाना, ये सारे चीज़ का लक्षण, या फेदर। पॉक्स भी दो तरफ होता है, मतलब भीतर भी होता है, बाहर भी होता है। भीतर होता है तो जो सिम्टम होता है बार्स का, बार्स आहिस्ता आहिस्ता सूख जाते हैं, खाना पीना उसका बंद होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, मतलब स्लो पॉइजनिंग जिसको बोला जाता है। और बॉडी में बहुत पेन है। देखिए, पॉक्स हो चाहे आपका, देखिए एक चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं, बुखार जो होता है ना, बुखार हम लोग फीवर जिसको बोलते हैं, फीवर बहुत कारण के कारण होता है, क्योंकि ठंड लगने से बुखार होता है, इस गर्मी का सीज़न में भी बुखार होता है, कुछ रोग का लक्षण भी बुखार हो सकता है, मतलब कुछ बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण सिम्टम आ रहा है बुखार के ऊपर से, जैसे कुछ मेजर वायरस के कारण, मेजर वायरस या बैक्टीरिया इफेक्ट होता है बॉडी में, जैसे पोलियोमा वायरस, ऐसे चले जो मतलब क्या बोला है उसको, डेंजरस जो वायरस होता है, पॉक्स ही एक डेंजरस वायरस है, लेकिन इस कारण बुखार जरूर आएगा। पेट खराब या बार्स का डायरिया, लूज मोशन, एस्टिंग लेवल पे अगर होगा तो उससे भी बुखार आएगा, या बार्स जब नेचुरल मोल्टिंग करते हैं वहाँ से भी बुखार आ सकता है। ये सारे चीज़ के ऊपर हम लोगों का नॉलेज नहीं है, इसी के लिए जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं हम लोग भी, जो बिगिनर लेवल पर है कुछ भी करते जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, कुछ वीडियो में कमेंट्स आते हैं, दादा आपके पास क्या बार्स, मतलब लोग परखना चाहते हैं, अगर मेरे पास हाई म्यूटेशन बार्स है तो मैं ठीक हूँ, अगर लो म्यूटेशन बार्स है मैं ठीक नहीं हूँ, बट उसके हिसाब से नहीं। एक चीज़ जान लीजिए, अगर जानते नहीं हो तो जान लीजिए, बार्स आपके पास लो म्यूटेशन हो या हाई म्यूटेशन है, कितना दिन जिंदा है वो देखिए, और कितने टाइम से ब्रीड कर रहे हैं वो देखिए, अगर ये दोनों लॉन्ग टाइम हो रहा है तो आप एक बार्स को केयर कर पा रहे हो, इतना जान लीजिए, चाहे वो न्यूट्रिएंट मतलब खाने पीने से हो या कुछ भी कर, कैसे भी करके वो ठीक ठाक है, उसका बॉडी या इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक है। ये लो हाई में म्यूटेशन के कोई गैप नहीं होता है, या ये नहीं मतलब, देखिए कलर और थोड़ा सा डीएनए बदल जाने से अगर स्टेटस बदल जाए तो ये आप लोगों के हो सकता है, जो लोग ऐसे सोच रखते हैं मन पे, हम लोगों के भीतर ऐसे नहीं आता है। मेरे सामने एक लो म्यूटेशन, मान लीजिए एक प्रॉपर अगर लाभ बाट की बात करें या फिंस के बात करें, एक जेब्रा फिंस का भी वैल्यू है, गोल्डन फिंस का भी वैल्यू है मेरे सामने, क्योंकि मैं एक बार्ड्स लवर हूँ, उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। जो जेब्रा फिंस के भीतर ही जो दिल धक धक करता है, उसके भीतर भी दिल धक धक करता है। तो बात यह है, आपके पास आपका बार्ड्स कितने टाइम जिंदा है और कितना लॉन्ग टाइम ब्रीड कर रहे हैं विदाउट एनी मेडिसिन, सो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वो इसके ऊपर 200 पीआर लाभ बार से, ये पीआर लाभ बार से, इतना हाई मीटर से, मतलब वो बड़े ब्रीडर है, और जो छोटे ऊपर काम करे वो छोटे ब्रीडर, ये बड़ा छोटा उन लोगों का सोच है,
एक्सपीरियंस से लोग बड़ा होता है, बार्स रखने से नहीं। बार्स 2 प्यार भी हो सकता है या 200 प्यार भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर आपका सही एक्सपीरियंस है तो आपका हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस ब्रीडर या एक्सपीरियंस जो केयर करते हैं उसी को। तो ये आज का टॉपिक नहीं है, मैंने बोल दिया है, सवाल आता है तो इसीलिए क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए आज की डेट में बहुत तरह, जैसे कल एक वीडियो मैंने बनाया था जो स्टॉप दिस, तो इसीलिए गलत मेडिसिन से कुछ भी होता है, हम लोगों को डॉक्सी दे देते हैं, कुछ भी होता है तो हम लोग मेरी क्विन चला देते हैं, कुछ भी होता है मॉक्स चला देता है। अरे पहले तो जानिए हुआ क्या है, अरे कि बॉडी में क्या हुआ है, यही डायग्नोस अगर नहीं कर पाओगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या कर लोगे। एक ही मेडिसिन से अगर सब कुछ हो जाते तो दुनिया में इतना वैराइटीज़ मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ते। और हम लोग जानते हैं वायरल भी फीवर होता है, बैक्टीरिया फीवर होता है और फंगल से भी फीवर होता है। फीवर के हिसाब से अगर सोचे, वैसे ही पैरासाइट क्या है, पैरासाइट जो होता है वो बॉडी में जाके, मतलब दूसरे के शरीर में जाके अपने जीवन जीते हैं। यही सिंपल भाषा में अगर हम लोग जाने, पैरासाइट इसी को बोला जाता है। जो ये पैरासाइट को कुछ, मतलब हम लोगों के जो दुनिया में कीड़े पतंगे हैं, मतलब मान लीजिए मच्छर, मॉस्किटो, ये मॉस्किटो कैरी करते हैं अपने खून पे। जब वो खून चूसते हैं, मतलब चूसने के टाइम पे कुछ निकल, मतलब एक ट्रांसपरेशन होता है, मतलब कुछ हम लोग खून चूस रहे हैं और उससे कुछ निकल भी रहे हैं, उसी सुई की तरह, उसका जो सुई है उसी से पैरासाइट शरीर में जाते हैं। बार्ड्स के ज़्यादातर, या ह्यूमन के बात छोड़िए, बार्ड्स के ये जो नरम जो स्थान होता है ना, सॉफ्ट जो स्थान, जैसे उंगली के बीच में या उंगली में, फेदर के नीचे, आँखों के ऊपर, नाकों के ऊपर, ये सारे चीज़ बहुत ही नरम होता है और ज़्यादा फेदर नहीं रहते हैं, तो सुई घुसाने से सही होता है। तो मतलब उसका ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते, लेकिन फेदर के ऊपर से करे तो अलग बात है। ये एक पैरासाइट टॉक्स होता है। और एक होता है जो अंदरूनी उस समय, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेशन ट्रैक, इंटरनली अगर पॉक्स होगा तो बार्स आपका खाना पीना छोड़ने लगेंगे। सिम्टम तो बाहर आएगा, जैसे बूटी 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 लाल लाल दाग होता है पैर में, बॉडी में, फेदर में, तो ये सारे चीज़ होने लगते हैं। तो अगर हम लोग कुछ टाइम के लिए इस वीडियो जब तक देखो, जिसके मन में है जो है वो ऊपर हो, लेकिन मेरा जो मेरे को मान के आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों को सजेस्ट करेंगे, दादा या भाई बहन दीदी कोई भी हो, आप कोई भी हो, एलोपैथी को थोड़ा सा साइड में रखिए, होम्योपैथिक और नेचुरल सोचिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ का, मैं होम्योपैथिक नेचुरल बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ का ओवर नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ का डाउन भी नहीं होना चाहिए, तो इसी कारण उसका एक बैलेंस भी होना चाहिए। कोई भी डिजीज़ अगर शरीर में है, उसको लड़ने के लिए आपके बार्स को ताकत की ज़रूरत है। मेन चीज़ ये है, मतलब इम्यूनिटी पावर, मतलब प्रोबायोटिक लेवल हाई होना चाहिए। प्रोबायोटिक जितना बॉडी में स्ट्रांग होगा, उसका इम्यूनिटी भी जितना स्ट्रांग होगा। और एक चीज़, आपका बार्स का लीवर जितना स्ट्रांग होगा, वो जो खाएगा उसमें जो न्यूट्रिशन है वो शरीर में शेयर कर पाएंगे, और उस शेयर से आपका इम्यूनिटी पावर वृद्धि होगा, मतलब ग्रो करेंगे। और इम्यूनिटी अगर ग्रो है तो कोई भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल बॉडी में आए किसी भी माध्यम से, वो लड़ पाएंगे। फिर मैं आ रही हूँ जो एक चीज़, और एक चीज़ जहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन है हम लोगों के भीतर में, बार्ड्स का जो पॉक्स होता है वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, और ह्यूमन का जो पॉक्स होता है वो बार्ड्स में ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों के घर में कोई भी लबर्स या किसी पिजन का पॉक्स हुआ है, तो उसको फर्स्ट टाइम पहले अच्छे बार्ड से अलग कर दीजिए। एक हॉस्पिटल केज हमेशा हम लोगों के घर में होना चाहिए, थोड़ा सा भरा, थोड़ा सा इतने साइज का, जो वो सही से रह पाए, ठीक है, सही से रह पाए, मतलब ऐसे करके मत रहे, सही से थोड़ा सा घूम फिर पाए, थोड़ा सा फ्लाई कर पाए, उसी के हिसाब से एक हॉस्पिटल केज ज़रूर रखिए। उसके साथ साथ एक चीज़ जानिए, उस शरीर का जो उस जो बीमार बार्ड है, उसके शरीर में तो वायरस या बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया वायरस हम लोगों के शरीर में भी नहीं, हम लोगों के ये कपड़ा, ये हाथ, ऐसे चीज़ मतलब इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग खुद को सैनिटाइज ना करते हुए अच्छे बार्ड्स की ओर जाए तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वायरल जो होता है ना बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, बैक्टीरिया बहुत स्लोली ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वायरल जो होता है बहुत जल्दी, वायरस फीवर जो होता है ना ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिएगा हम लोगों को जैसे बुखार होता है, अगर घर में मेरे को हुआ,
तो मेरा जो फैमिली है आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ये बॉडी इम्यूनिटी पावर के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे हिसाब से सभी के शरीर में जैसे रोग मतलब वो वायरस स्प्रेड किया सभी के शरीर में कोरोना था, लेकिन हर किसी में सिम्टम बाहर नहीं आ पाए या मतलब ढूंढ नहीं पाए क्योंकि उसका इम्यूनिटी हाई था। और उसी टाइम पे का मतलब जो प्रचार हुआ था जो इम्यूनिटी को हाई करने के लिए सही बात है, उसी टाइम पे लोग मतलब फ्रूट्स खाना सही से शुरू किया या मतलब मल्टीविटामिन लेना शुरू किया क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे आपका बाहर से अगर पूरा साल सही से खाना पीना आपको उसको प्रोवाइड कर रहे हो अपने बर्ड्स को, चाहे कोई भी बर्ड्स लो, हम अभी बात कर रहे हैं लव बर्ड्स, ये कैनरी बर्ड्स है, लव बर्ड्स को ही पकड़ लीजिए, ज़्यादातर हम लोग लव बर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो फ्रूट सॉरी वेजिटेबल्स या सॉफ्ट फूड जिसको बोला जाता है उसको अगर सही से डाल रहे हो बैलेंस मात्रा से जिसमें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, उसका बॉडी रेडी रहेगा हर जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। और जब भी प्रोबायोटिक लेवल हाई होता है तो उसके में डरने की कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं होम्योपैथिक में अगर नेचुरली अगर हम लोग कुछ सोचें तो फर्स्ट है हम लोगों के इधर सोजने पाता बोल के सोजने पेड़ बोल के एक होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हमें भूल गए हैं, अब लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना। तो उसका पत्ता भी मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव है, उसका फ्लावर भी इफेक्टिव है, इसी टाइम पे उसका फ्लावर या स्टिक बनता है जिसको हम लोग बंगाली में डाटा बोलते हैं और सोजने फूल बोलते हैं। तो उसी चीज़ को बर्ड्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे चीज़ बर्ड्स के लिए भी, देखिए वायरस अलग अलग है, ह्यूमन जो वायरस है वो अलग है पॉक्स के लिए, बर्ड्स का वायरस, लेकिन काम ये पत्ता और नीम पत्ता दोनों में काम करते हैं, बर्ड्स के शरीर में भी हम लोगों के शरीर में भी। इसीलिए नीम का सहारा लीजिए, अपने केज के आसपास नीम का पाउडर या नीम पत्ता डाल समेत छिड़क मतलब रख दीजिए या केज में ऐसे ही रख दीजिए, बर्ड्स खाए या ना खाए उसका जो हवा के साथ जो रिएक्ट होता है उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना जो खुली आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं वो भी सही है ऐसे पॉक्स वायरस के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ ज़रूर कीजिए, सप्ताह में 2-3 बार नीम पत्ता को उबाल के उससे बर्ड्स को नहाइए, लव बर्ड्स के बाद बोल रही हूँ, या पानी को पीने के लिए भी दीजिए। जब मैं खुद करता हूँ, मेरा जो बाहर से आप लोग देखे ही हो नीम पत्ता को च्यूइंग करके खाते हैं, तो इसीलिए हमको ज़्यादा पानी उसको देना नहीं पड़ते है, मतलब स्प्रे कर सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन इंटरनल भीतर में जाने के लिए एक्सटर्नली स्प्रे वो अलग बात है। नीम और हल्दी को थोड़ा सा पानी में हल्दी को मत उबालिए, उसका जो डस्ट फॉर्मेशन होता है, नीम पत्ता को उबाल लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, थोड़ा सा हल्दी उसमें डाल के आप स्प्रे कर दीजिए, उस मतलब नहाना भी होगा इन्फेक्शन भी निकल जाएगी। ये कंटिन्यू कीजिए, नीम पत्ता को अपने केज के आसपास मतलब 100 फीट या 50 फीट दूर से ऐसे मत कीजिए जो आग लग जाए, नीम पत्ता को थोड़ा सा कच्चा, नीम पत्ता का जो कंडीशन होगा थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा मतलब पक्का ऐसे ही कंडीशन में कपूर बोले जाते मतलब हम लोग जो पूजा में यूज़ करते हैं उसमें डाल के उस पर आग लगा के उसमें जो धुआँ होता है मतलब स्मोक होता है उस स्मोक वायरस निकलने के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, लोग बोलते रहते हैं वीडियो में वायरस मर जाएंगे, वायरस बैक्टीरिया कभी मरता नहीं है, वो डीएक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होता है परिस्थिति के अनुसार। मान लीजिए हाँ यहाँ पर हम लोग कोलकाता में है, कोलकाता के जो एटमोसफियर अभी है उसी के हिसाब से पॉक्स वायरस एक्टिव है कि इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो पार्टिकल्स है, जो वेदर का जो जलकण होता है ना वायु में उसी के हिसाब से कुछ वायरस एक्टिव हो जाता है। ये नेचुरल है, ये कोई मतलब मैनमेड नहीं है, नेचुरल है। वैसे देखिए जब विंटर में भी कुछ वायरस एक्टिव हो जाता है, गर्मी वो अगर गर्मी पर है तो इनएक्टिव हो जाता है मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही कुछ वायरस गर्मी के मौसम में एक्टिवेट होता है, तो ये चलता रहेगा। अगर कोई ऐसे बोले जो वायरस को ख़त्म कर, वायरस को ख़त्म नहीं किया जाता है, वायरस को सिम्टम को हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे दाग निकल रहे हैं, मांसपेशी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है आँख, ये सारे जो सिम्टम्स है इसको हम लोग रोक सकते हैं, मतलब उसको बढ़ने के लिए बॉडी में फ्लो करने के लिए रोक सकते हैं या ग्रो करने में रोक सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने वायरस को मार नहीं सकते। कुछ कारण मान लीजिए आपके भीतर में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग तो उसको निकल सकते हैं, जैसे नीम पत्ता ऐसे आपका सूजने पत्ता खिलाने से इम्यूनिटी ऐसे ही स्ट्रांग होता है और वो लड़ने लगते हैं,
वो वायरस के साथ या फंगल कुछ भी के साथ। तो वैसे ही वायरस कभी मर नहीं सकते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट हम लोग कर सकते हैं लेकिन फिर वो तुरंत आ जाएगा। तो इसीलिए वायरस अगर एक्टिव कब होता है, ऐसे वातावरण में मान लीजिए मैं इस घर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ भी वायरस है, मेरे जो सांस ले रही हूँ बोल रही हूँ उसी से भीतर में जा रहा है, लेकिन कुछ होने की कुछ मतलब हो नहीं पाते, क्यों? मेरा जो शरीर का प्रोबायोटिक लेवल है मतलब इम्यूनिटी पावर है उस वायरस के साथ, जो वायरस अभी मुँह में जा रहे हैं लड़ने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना चाहिए, कुछ भी कोई भी बोल देंगे यार हम लोग विश्वास कर लेंगे, हो नहीं सकता है। पहले दिन गया ये समझ लीजिए, जो पिछले अभी एक्टिव हो जाइए फ्रेंड्स, नहीं तो कुछ का किसी का नुकसान नहीं है। जो गलत बोल के चले जाएंगे आप मेडिसिन डाल दोगे आपका ही बार्स मरेगा और को क्या होगा, जो बोला वो तो भाग जाएंगे आपके ऊपर ही। अगर आपको दूसरी बार फ़ोन करोगे तो आपने ओवर डोज कर दिया अपनी एक ही एक, ये नहीं बोलेंगे जो मैंने गलत मेडिसिन डाला था। तो इसीलिए होम्योपैथी का नेचुरल में करें, एक तो है आपका बार्स मरेगा नहीं, थोड़ा भी बहुत ओवरडोज हो जाता है होम्योपैथी और नेचुरल में, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मैसिव ओवरडोज से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो नीम का पत्ता को जरूर सहारा लीजिए, नीम पत्ता से और जो हम बोलते बोलते रुक गए, अगर आपका केज पेजिस ऑक्सीजन में केज के आसपास या केज फ्लोर साफ सुथरा है, इतना फास्ट पॉइंट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है आपका बार्स का इम्यूनिटी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बार्स का सॉफ्ट फूड लेवल सही है मतलब खाने का तरीका, सीड्स खाने से ज़्यादा नहीं होगा आपका बार्स को सॉफ्ट फूड, जितना सॉफ्ट फूड खाएगा इतना देख लीजिएगा आपका बार्स सही से ब्रीड कर लेंगे, इसीलिए वी प्लस से इतना भला अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो एकदम नेचुरल चीज़ है। वो जो कोई भी वी प्लस को यूज़ कर रहे हैं उसका पूछ के देखिए, ये मेरे बात नहीं है आप लोगों का ही बात है। जो मेरे घर में पहले जो कल ही एक दादा आया था मेरे से वी प्लस खुद लेकर गए एक बॉटल, उसका बार्स पहले जो एक फॉर्मेशन हो रहा था मतलब मर जा रहे थे, मतलब डेड इन सेल हो जा रहा था, अभी तीन एक आया, तीन एक भी फर्टाइल है। तो ये मेरा खुशी की ये बात है, ऐसे एक फूड बना पाए जो आप लोगों के आज के डेट में काम पे आ रहा है। और आज के डेट में जो वी प्लस अपडेट हुआ है इतना जान लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन से छुटकारा आप लोगों को ज़रूर मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, नेचुरली जिसका मतलब खाना पीना सही रहेगा तो बार्स का इम्यूनिटी लेवल हाई रहेगा, वो ब्रीड भी अच्छा कर लेगा। हालांकि ब्रीड मेरा आज का अभी का टॉपिक नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं ये नेचुरली हो गया। अगर हम होम्योपैथिक में कुछ बात करें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिख देंगे नाम, उसको फॉलो कीजिए, फिर भी हम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए बेरिलियम 200 ये एक अच्छा मेडिसिन है होम्योपैथिक में, पोटेंसी है 200। अगर ये प्रिवेंटिव है मतलब प्रॉक्स होने से पहले अगर इसको दो या बाद में भी दे सकते हो, डोजेस क्या है वो बहुत मतलब व्हाट्सएप में पूछ लेना, डोजेस नहीं बताएंगे हम। तो ये अच्छा मेडिसिन है जो प्रिवेंट करने में मतलब ये वायरस को रोक सकते हैं भीतर से, तो नाम हम नीचे दे देंगे। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन का आपको ज़रूर उस टाइम पे इस ऑक्सीजन में हमेशा घर पे रखना चाहिए। एक होता है ये बेरिलियम 200, दूसरा है रास्टक 30, क्योंकि रास्टक 30 क्या करते हैं, हमेशा हर चीज़ लिक्विड लेना। ये पॉक्स के सीजन में बॉडी में एक टेम्परेचर फ्लो होता है जिसको हम लोग बुखार भी बोल सकते हैं, फीवर भी बोल सकते हैं, मतलब फीवर बुखार एक ही है दोनों लैंग्वेज में बोला तो, या शरीर में थोड़े बहुत पेन भी होता है। तो ये रास्टक एक पेन किलर के हिसाब से काम करेंगे, या बोल सकते हैं एक पैरासीटामोल के हिसाब, सॉरी रास्टक एक गलत बोला मैं, बेरिलियम 200 को ज़रूर दीजिए। उसके साथ साथ आप इपोटोडियम पार्ट 30 को यूज़ इसीलिए करने बोल रही हूँ, इपोटोडियम पार्ट 30 एक पैरासीटामोल के हिसाब से काम करते हैं। वेरी सॉरी मैंने गलत मतलब रास्टक में आएंगे बाद में आएंगे तो पहले ही उसको बोल दे रही थी, कोई ऐसे कोई बात नहीं है, आप रास्टक भी अभी बोल सकते हैं, इपोटोडियम को बाद में भी बोल सकते हैं। ऐसे आप लोग सीरियली जो हम बोले उतना ही कीजिए, वो ज़रूरी है। मेडिसिन का नाम आगे पीछे हो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देना है सभी को। बेरिलियम 200 इसको रखिए हाथों के सामने अपने घर में,
रक्त 30 इसको रखिए और इपोटोरियम पर 30 ये भी हाथों के सामने रखिए। इपोटोरियम क्या होता है अभी बोला, इसी जो कोई भी हो पॉक्स पैरासिट मतलब मच्छर के हिसाब से हो या कोई वायरस के कारण अपने बॉडी में आए तो ये तुरंत इपोटोरियम पर 30 देने से टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। बॉडी का जो पेन है पैरासीटामोल के हिसाब से काम करते हैं, जो जंतना होता है पेन होता है बॉडी में उसको भी रोक सकते हैं या अपने जो बुखार लेवल है उसको भी डाउन होना। कितने बार देना चाहिए, कितने पानी ml पानी में कितना डोज होगा, या बार से अगर खाना पीना अगर छोड़ रहे हैं तो मान लीजिए डेंजर टाइम आ रहा है, क्योंकि जब तक आपका बार खाना खा रहे हैं तब तक बहुत कुछ आप कर सकते हैं या हम लोग कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। अगर आप मान लीजिए खाना पीना वो छोड़ रहे हैं और आप भी हैंड फीड नहीं जानते हो कैसे हैंड फीड किया जाए, तो मान लीजिए हाथों से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हर ब्रीडर को चाहे छोटे बड़े ये कोई बात नहीं है, हर जो इंसान जो बार्ड्स पाल रहे हैं घर में हैंड फीड ज़रूर जानिए। मेरे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है, कौन दिशा से खाना खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए बच्चे की उम्र के अनुसार, मतलब हैंड फीड से छोटे उम्र से खिलाने से वो मदर फीडिंग कर सकते हो, अगर बड़े बाट को खिला रहे हो तो कॉफ फीडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि वो मांग के तो नहीं खाएंगे, तो कॉफ फीडिंग हम लोग कॉफ फीडिंग बहुत ही रिस्की है इसीलिए, क्योंकि कॉफ का जो मतलब पेशी होता है बहुत ही नरम होता है, थोड़ा सा जाके धक्का लगे तो वहाँ से इन्फेक्शन या खून निकल सकते, या खून निकल जाए तो इन्फेक्शन ज़रूर होगा, कॉफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इसीलिए हर चीज़ को जानना चाहिए। कोई माने मतलब ऐसे नहीं सोचो जो कुछ भी हो जाएगा, मैनेज कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली वास्तव में मैनेज कुछ नहीं होता है, हर चीज़ करना पड़ता है। लास्ट और एक मेडिसिन का नाम बोलेंगे, और भी कुछ है लेकिन ये तीनों मेडिसिन काफ़ी है पॉक्स के लिए। रास्टक 30, रास्टक 30 क्या करते हैं, ये जो बूटी बूटी होता है ना, ये जो दाग दाग होता है इस भीतर से सूखा देता है उसको, भीतर से आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगते हैं। देखिएगा ये जो स्पॉट 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 आँखों का जो इतना बड़ा चीज़ हो जाता है भीतर भी हो जाता है, ये भीतर से आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगेंगे। और एक चीज़ कर सकते हो नेचुरली और केमिकली हम बोल रहे हैं, कुछ एलोपैथी का हम नाम लेंगे जो अलग मतलब अलग से बताएंगे, जो इसी भी ये दोनों बेटाडीन ऑइंटमेंट आपके घर में होना चाहिए, बेटाडीन ऑइंटमेंट जो जहाँ पे बूटी वहाँ पे भी लगा सकते, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। और नहीं तो थोड़ा सा टोमेटो जिसको हम लोग टोमेटो जिसको बोला जाता है, टोमेटो को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उसका जो रस होता है जो दाना दाना होता है उसको फेंकिए मत, उसके हिसाब से लगाइए, उससे जो एसिड फॉर्मेशन मतलब तो एसिड निकलते हैं उसको ठीक पोर्शन को ठीक करने में आज तक जिसको बताया है तब तक ये सही हुआ है, वही लोग सही हुआ है। तो यही हुआ है कि मतलब एक दिन से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, मतलब 2-3 दिन ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है या ये टोमेटो हर घर में होता है इसीलिए बोला, नहीं तो आपको बेटाडीन आना पड़ेगा। और एक चीज़ बिफिलैक प्रोबायोटिक ये एलोपैथी मेडिसिन है, ज़रूर सामने रखिए। होम्योपैथिक का भी प्रोबायोटिक है, हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वो अलग बात है, आपको इसमें पूछ लेना, व्हाट्सएप में पूछ लेना, क्योंकि हर चीज़ का एक हमको मतलब क्या है प्राइवेसी रखना पड़ता है वीडियो में, कॉपी के धारण आप लोगों को हम बोल सकते हैं, जो जिसको हुआ है वो हमको फ़ोन कर लीजिए, या ज़्यादातर फ़ोन में ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे तो व्हाट्सएप में वॉइस कीजिए, मैं वॉइस में रिप्लाई दूंगा, लेकिन ये इसमें हमको प्राइवेसी रखना पड़ेगा। जो होम्योपैथिक का प्रोबायोटिक किसको बोल मतलब क्या नाम है उसका और कैसे देना चाहिए, इसीलिए बिफिलैक मैंने बहुत वीडियो में बोला, बिफिलैक होम्योपैथिक के साथ आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफिलैक छोड़ के और भी प्रोबायोटिक है लेकिन कॉस्टली है, कॉस्टली से बेहतर आपका बार्स, देखिए एक बार्स जैसे एक उदाहरण मैंने बहुत बार दिया फिर बोल रही हूँ, आपका लाभ बार्स का एक साल आपका मतलब मान लीजिए एक साल, तो आपका ह्यूमन बेबी का अगर घर में बेबी है उसका 4 साल होना चाहिए, मतलब इतना जो फ़र्क है। तो इसी के हिसाब से बिफिलैक बहुत ही कारगर है, और बिफिलैक का जो लैक्टोबैसिल प्रोबायोटिक का जो नाम है, बार्स के शरीर में लैक्टोबैसिल मिल गया है मतलब मिलता है, तो इसीलिए बिफिलैक प्रोबायोटिक के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करते हैं बार्स बॉडी में, कोई भी बार्स बॉडी में। तो इसीलिए बिफिलैक और बेटाडीन ये दोनों छोड़ के और कुछ मत रखिए, कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी होम्योपैथिक में जितना नाम लिया मैंने एक लिस्ट नीचे बना रही हूँ क्या क्या आपको घर में इस टाइम रखना चाहिए, आपके हो या ना हो। और एक होम्योपैथिक का मेडिसिन है, नीचे हम नाम दे दे रहे,
वो भी 200 है, जो प्रिवेंटिव के हिसाब से, जैसे मैंने ये इसका जो नाम दिया क्या है, बेरिलियम 200 को प्रिवेंट कर सकते हो या हो जाने के बाद भी दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, सिक्योर मेडिसिन घर में रखिए, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतना प्रे किए आपका बार्स का अगर ना हो, क्योंकि अगर आप सही से मेडिसिन को प्रयोग नहीं कर पाओगे तभी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन सही होता है, डोजेस कम ज़्यादा होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखोगे, आप बोलोगे शांतनु दादा तो ये मेडिसिन बोला क्यों ठीक नहीं हो रहा है, अरे पहले डोज तो देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, 100 ml पानी में, ये भी होता है सुन लीजिए, 100 ml पानी कितना हो सकता है आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, उनमें 2 drops, मतलब एक समुंदर पानी से हम 1 bottle निकल रहे हैं, उसमें कोई समुंदर को फ़र्क पड़ेगा? वैसे 100 ml में पानी में कहाँ खो जाएगा मेडिसिन, आपका क्या भगवान भी उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो हर ml के अनुसार हम लोगों को मेडिसिन देना चाहिए। अगर आपका 30 ml 30 ml पानी है उसका डोजेस अलग होगा सेम मेडिसिन का, अगर 1 liter पानी है डोजेस अलग होगा। तो इसी की इसको पहले जानिए, इसको पहले खुद को एडुकेट कीजिए। जो हम मेडिसिन, कभी कभी मेडिसिन बहुत कन्फर्म होता है लेकिन डोजेस कम ज़्यादा होने के कारण बहुत गलती हो जाता है। जब देखोगे दादा ने बोला था यही तो मेडिसिन, जो जो बोला था सब घर में लिया लेकर आए, लेकिन अगर आप 100 ml पानी में 2 बूंद डालोगे तो ऊपर ही जाएगा ना आपके बार्स, नीचे का मतलब वो नीचे रहेगा नहीं, ऊपर ही चला जाएगा। तो इसी सारे चीज़ को बहुत सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। बार्स पालना और एक मोबाइल ख़रीदना एक जैसे बात नहीं है, इतना जान लीजिए। जो मोबाइल में हम लोग मतलब स्मार्टफोन में हम लोग हैबिचुएटेड नहीं है, 2 दिन हाथ में ऐसे ऐसे कीजिए हैबिचुएटेड हो जाएंगे, लेकिन इस बार्स को एक पीसीस को जानने के लिए आपको 10 साल लगेंगे। सही से अगर जानो तो उसका कैरेक्टर, उसको कैसे क्या डोज चाहिए, कौन सा मेडिसिन प्रयोग होना चाहिए, कौन से डोजेस प्रयोग होना चाहिए, होम्योपैथिक में क्या है, एलोपैथिक में क्या है, वेटनरी में क्या है, क्योंकि आज के डेट में हर दिन जो नया नया उत्पत्ति हो रहा है मेडिसिन का, इससे दूर खुद को रखिए, नहीं तो कॉन्फ्यूज होकर गलत मेडिसिन डाल दोगे, जैसे होता आ रहा है, मतलब होते हुए आ रहा है। तो इसीलिए होम्योपैथिक में आइए, नेचुरली केयर कीजिए। पॉक्स एक खतरनाक तो है, अगर सही से हम लोग ट्रीटमेंट करें तो पॉक्स से आपको छुटकारा हो सकता है, इतना जान लीजिए। इससे ज़्यादा खतरनाक वायरस है पॉलियोमा वायरस, जो पहचान हो जाने के बाद आता है, लेकिन पॉक्स का एक अच्छा गुण है, सिम्टम बाहर देख पाते हैं और हम लोग उसी चीज़ को जानते ही इसको पॉक्स बोला जाता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी मेरे एक चैनल पे वीडियो है, बर्ड्स लव बर्ड्स का आई इन्फेक्शन और लव बर्ड्स का पॉक्स दोनों अलग चीज़ है। आई इन्फेक्शन अलग चीज़ है, उसका मेडिसिन अलग होगा, होम्योपैथिक हो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक एक सौ सकता है लेकिन अलग होगा, रास्टक लगेगा, इपोटोरियम लगेगा, अलग अलग बात है। एक चीज़, एक मेडिसिन दूसरे रोग में प्रयोग मत कीजिए विदाउट एनी जानकारी। तो ये चीज़ घर में रखिए, मैं नीचे लिस्ट बना दे रही हूँ क्या क्या मेडिसिन इस टाइम पर आपको घर में रखना पड़ेगा, होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में, ह्यूमन का ज़रूर ह्यूमन का, तो तब का बार सही हो जाएंगे। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।